इंसान और मनीषा के बीच में आई एक बार फिर से जिया शंकर। जिया शंकर ना इधर की रही ना उधर की रही, इसीलिए जहां पर भी वो अगर फुकरा इंसान और मनीषा जब बात कर रहे होते हैं या कोई भी ये तीनों बात कर रहे होते हैं तब बीच में आ जाती है, तो वो एक थिन लाइन जो है जरूर दिखाई देती है, वो अनकंफर्टेबल जो है जरूर होती है। और जितनी कंफर्टेबल तरीके से ये तीनों आपस में बात करते हैं, जिया के आने के बाद ये लोग वो कंफर्टेबल बातें करना बंद कर देते हैं। मनीषा और फुकरा इंसान बात कर रहे थे कि अविनाश ये कर रहा है वो कर रहा है, अचानक ही बाहर ही बैठी थी, फुकरा इंसान वहां से उठ के भी आए, बाहर ही बैठी थी, सब लोग बैठे थे, अविनाश भी बैठे थे, वहां से उठ के सीधा वो किचन में आ गई और वहां पर कुछ काम नहीं था उसका, बस आके दोनों के बीच में खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लग गई, जहां पर ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। और उसके बाद जब फुकरा इंसान और एल्विश खाना खा रहे थे, जब मनीषा खाना खा रही थी तब भी बीच में बैठी थी, तो ये हर जगह पर जो है बीच में आती है और बीच में जो है कन्वर्सेशन सुनने की कोशिश करती है और अपना दिमाग चलाने की कोशिश करती है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, जो कि इसके सामने ये लोग बात नहीं करना चाहते। बीच में ऐसे ही आ रही है, जो कि आपकी भी नजर पड़ी होगी, बताइए जरूर आपको कैसा लगा वो तरीका जिया शंकर का। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।